हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि यहाँ पर एक लोअर हाई फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ से गिरने के चांसेस ज़्यादा है। मैंने आपको बताया भी था कि शॉर्ट की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले लास्ट वीडियो देख लो, तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या लॉजिक से सेल दिया था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप देख सकते हो ये लोअर हाई फॉर्मेशन हो चुका है, ये प्रीवियस लो था 11,300। अब हायर चांसेस है, मुझे लगता है यहाँ तक एक नया लो बना सकता है। ये डाउन ट्रेंड कन्फर्मेशन हो जाएगा अगर ये नया लो बनाता है अराउंड 11,000 के आसपास। सो अभी जो नेक्स्ट टारगेट आता है वो 11,000 के आसपास आता है। सो यहाँ से और 200 पॉइंट का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। सो अभी भी आपका ध्यान शॉर्ट की तरफ ही होना चाहिए। बैंक निफ्टी में आपको लास्ट तीन चार वीडियो से कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ 21,500 मेरा टारगेट है, 21,000 मेरा टारगेट है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, 21,000 भी आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो आता है 20,000 के आसपास। 20,000 के आसपास मेजर बड़ा सपोर्ट है और बीच में यहाँ पर सपोर्ट है 20,600 के आसपास। अब अगर फॉल कंटिन्यू होता है तो 20,600 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में भी आपका ध्यान शॉर्ट की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। कोई भी गैप अप ओपनिंग होता है तो आपको शॉर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। डाबर बाय दिया था 512 के ऊपर, इसमें बाय लेवल ट्रिगर नहीं हुआ तो हम लोगों ने कोई ट्रेंड नहीं लिया है। मैंने आपको इन्फोसिस सेल दिया था 998 के नीचे, इसमें भी हम लोगों ने कोई ट्रेंड नहीं लिया है। बट मैंने आपको बंधन बैंक सेल दिया था 298 के नीचे और इसमें आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट आया होगा क्योंकि ये 7% नीचे था आज, तो डेफिनेटली आपको इंट्राडे में काफ़ी बड़ा पैसा आया होगा। अगर आपने ट्रेड किया तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि बंधन बैंक मैंने ट्रेड किया था एंड आई मेड सम गुड प्रॉफिट्स। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में आपको कौन से स्टॉक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला स्टॉक होगा टोरेंट पावर। टोरेंट पावर का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो ये बड़ा फॉल आया था और यहाँ पर पूरा रेंज बाउंड है, ये आप देख सकते हो। आज नीचे के लेवल से हमें एक स्मार्ट बाइंग हमें देखने को मिली है और एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडल लग रहा है मुझे। अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सो टोरेंट पावर काफ़ी अच्छा बाय रहेगा। कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड अगर आप देखो इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है और एक बड़ा रेड कैंडल है। मुझे लगता है यहाँ पे फॉलो थ्रू सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। सो इसमें और फॉल हमें देखने को मिल सकता है जुबिलेंट फूड में क्योंकि राउंड ऑफ नंबर के आसपास है 2,300 के आसपास। सो अगर वो लेवल टूटता है तो एक शार्प फॉल हमें और देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली कौन से लेवल पर शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट का भी स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी नेगेटिव लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बार बार। ये कप पैटर्न था और ये हैंडल फॉर्मेशन था लेकिन इसका फॉलो थ्रू बाइंग हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है और स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा और आज एक ब्रेकडाउन कैंडल इसने बनाया है। सो अगर इसका लेवल टूटता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो अदानी पोर्ट भी काफ़ी अच्छा शॉर्ट रहेगा। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।